नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा की ओर, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्य दोष तिवारी ने सौंपा नगर आयुक्त को ज्ञापन। पूरा मामला प्रदेश रीवा जिले का है, जहां पर नगर आयुक्त के यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बताया कि कॉलेज के बाहर प्रेरणा स्रोत विवेकानंद की मूर्ति है, यहाँ पर कभी भी सफाई नहीं होती और ना ही पेंट हुआ है। इसके लिए उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और बताया कि उन्होंने इसका निस्तारण जल्द करने के लिए कहा। अब लेकर चलते हैं अखिल विद्यार्थी परिषद कार्य दोष तिवारी के पास, उन्होंने क्या कहा आप सुन सकते हैं। वहां पर मौजूद रहे अर्पित, अमन, अवनी सिंह, स्वप्निल साहू आदि लोग मौजूद रहे। अब देखना यह है कि कब तक कॉलेज के बाहर जो मूर्ति है पेंट होती है कि नहीं, कागज में पेंट ही हो जाएगी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मध्य प्रदेश के रीवा से रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। ये बताइए, आज आप यहाँ पर आए कमिश्नर साहब के यहाँ, तो ज्ञापन देने आए तो किस बात के लिए किए थे? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई रीवा द्वारा कॉलेज चौराहे स्थित अपने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा में, जब से प्रतिमा स्थापित की गई उसमें अभी तक न कोई पेंटिंग का कार्य किया गया, न कोई साज सज्जा का काम किया गया। हम सब युवाओं के मार्गदर्शन एवं विद्यार्थी परिषद के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर जल्द से जल्द पेंटिंग का कार्य और साफ सफाई करने का कार्य करने के लिए आज हम सब लोग नगर इकाई रीवा के सभी कार्यकर्ता माननीय नगर निगम आयुक्त जी को ज्ञापन सौंपते हैं और मैम ने जल्द से जल्द उसकी पेंटिंग तथा साफ सफाई सुसज्जित करने का काम करने के लिए कहा है। क्या कहा है जो है अंदर जो है आपसे कमिश्नर साहब ने क्या कहा है नगर आयुक्त मैडम ने? मैम ने कहा कि जल्द से जल्द उसमें हम पेंटिंग अथवा साफ सफाई करने का कार्य करेंगे और आप सब लोगों की मदद मिलेगी तो और अच्छा रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कर्षदीश तिवारी है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा नगर का नगर मुखी हूँ।